कल हम कर रहे थे कि सीमा जो लिमिट का मान है वो हमेशा नहीं निकलता है, है ना। खास करके वो फंक्शन क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। तो यहाँ पर आपको एक सवाल दिया है, इसमें लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स जब एक्स का मान जीरो नहीं है, मतलब चाहे जीरो से कम हो चाहे जीरो से ज़्यादा हो, जीरो नहीं है तो इसका मान ये रहेगा, और अगर एक्स का मान जीरो है तो एफ एक्स का मान क्या रहेगा, जीरो। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, खुशबू, बाम हस्त सीमा, बाम कल नहीं आए थे तो बोलो बेटा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस जीरो से कम के लिए कौन बताएगा एफ एक्स का मान, ये केवल जीरो के लिए ये है, बाकी सब के लिए ये है, बस जीरो नहीं, तो जीरो से कम के लिए आएगा मॉड एक्स अपॉन एक्स। इसको सॉल्व करने के लिए आया था हम, क्या करेंगे बेटा, कुछ नहीं करेंगे, वही तो तरीका है, वहाँ भले परेशान हो बहुपति बनी, यहाँ थोड़ी परेशान हो, मैंने आपको समझाया है कि जब एक्स इज लेस देन जीरो, जब एक्स का मान जीरो से छोटा होता है तब मॉड एक्स बराबर क्या लेते हैं, माइनस एक्स। पता है कि नहीं पता है? बोल दो, वो एक डायलॉग बोल दो, मॉड तो माइनस रण में होता नहीं है, तो मैं आपको क्या बताएं, तब बुरा लग जाता है, कुछ ये पढ़ाया है मैंने आपको, इसका मतलब भी समझाया है, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एक्स इज लेस देन जीरो, समझाया है, मैंने कहा था पूरे सागर में केवल मैं ही आपको समझा रहा हूँ ये, लेकिन अब आप तो आप हैं, चलो फिर से समझ लो, बहुत बुरा लगता है। मॉड एक्स एक वेरिएबल फंक्शन है, जब एक्स का मान आप धनात्मक संख्या रखते हैं, क्या रखते हैं, तो यहाँ रखा जाता है, जैसे कि दो का मॉड निकालना तो रखो तो कितना आ गया, दो, तीन का मॉड निकालना तो तीन, चार का मॉड तो चार, लेकिन अगर माइनस चार का निकालना तो यहाँ नहीं रखा जाएगा, कहाँ रखा जाएगा, यहाँ रखो माइनस चार का मॉड बराबर माइनस, एक्स का मान क्या रखना है, माइनस चार, क्या आ गया, प्लस चार, सिखाए थे, और ये कोई नहीं, सब लोग सोचते क्या, अरे अरे तो क्या पता ये मॉड माइनस में कब आता है, मॉड माइनस में नहीं आता, मॉड एक्स एक वेरिएबल फंक्शन है, जो एक्स बड़ा है जीरो पे रखने पर एक्स में रखा जाता है और छोटा जीरो पे रखने पर माइनस है, तभी चाहे प्लस की संख्या रखो चाहे माइनस की, आंसर प्लस का ही आता है। तो बताइए अगर हमें चार का मॉड निकालना है तो हम कहाँ रखेंगे, ऊपर रख दो चार, रख दो आ गया आंसर चार, लेकिन अगर माइनस चार का मॉड रखना तो कहाँ निकालेंगे, नीचे रखो माइनस, एक्स का मान क्या रखना है, माइनस, तो प्लस, इससे चाहे प्लस की संख्या का मॉड निकालो माइनस है, ये सब मैंने पढ़ाया है, अत्यंत दुख है कि आपको कुछ भी नहीं पता, मैंने आपको पढ़ा था बेटा, बहुत खास चीज़ें लोगों को पता तक नहीं होती है, कितना दुख हुआ आपके पास व्यवहार, चलो ठीक है हटाओ, चूँकि एक्स जीरो से छोटा है, लेकिन जीरो से थोड़ा सा कम है, इसलिए हम मॉड एक्स क्या रख देंगे, माइनस है, क्या हो जाए खुशबू बेटा, बोलते जाइए, माइनस से माइनस कैसे, कितना आ गया बेटा खुशबू, माइनस वन, कोई प्रॉब्लम है क्या, वन कहाँ से लग रहा, मॉड एक्स का मान क्या रखा खुशबू अपन ने, माइनस एक्स, एक्स एक्स के कितना आ गया, माइनस वन, अब यहाँ एक्स तो है नहीं तो लिमिट लिखने का कोई फायदा है नहीं, एक्स वन जीरो रखेंगे कहाँ, तो आंसर क्या आ गया है, माइनस वन, समझ आया बेटा, अब अपन क्या निकालेंगे, आदत ये बिल्कुल याद नहीं है बेटा, मैंने आपसे बोला था कि फलन थोड़ा सा देख लेना, मैंने बकायदा लिखवाया है वहाँ पांग फाइंडिंग निकल नोट्स घुमा दी, पिछली बार तो मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था कि मैंने फलन के बाद ही ये पढ़ाया था, लेकिन अपनी क्या है फिर फलन के बाद प्रॉब्लम हो जाती है। दक्षिण हस्त सीमा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ है, इसलिए तो इसको टाइप टू लिखवाएं, अब जीरो प्लस है तो जीरो से ज़्यादा बड़ा है, लेकिन अब तक जीरो नहीं है तो हमेशा यही रहेगा मॉड एक्स अपॉन एक्स। अब आप मुझे बताइए कि जब एक्स का मान जीरो से बड़ा होता है तब मॉड एक्स बराबर क्या लेते हैं, प्लस है, क्या लेते हैं, एक्स अपॉन एक्स, एक्स से एक्स क्या हो गया, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, सॉरी वन, वन में एक्स का मान कैसे रख सकते, नहीं रख सकते, तो आंसर आ गया वन। क्या ये दोनों बराबर है, क्या ये दोनों बराबर है, चूंकि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स, अतः हाँ क्या, हमें नहीं आ रहा, क्या बोल रहे, मतलब क्या, अतः दी गई सीमा कोई अस्तित्व नहीं, अटक जाते, चलो लिखो या सीधा लिख सकते हैं क्या, अतः लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स का कोई अस्तित्व नहीं। ये इसमें ऐसा आया है, हमेशा ऐसा नहीं होगा, अगर एक पे निकालोगे तो एक प्लस और एक माइनस दोनों की धनात्मक संख्याएं हो जाएंगी, एक माइनस मतलब क्या, एक से थोड़ा सा कम 0.9 वो भी काय की संख्या प्लस की, तो उसमें ये सीमा आ जाएगी, मतलब लिमिट एक्स टेंस टू वन एफ एक्स आ जाएगा, लिमिट एक्स टू आ जाएगा, माइनस वाई क्या नहीं आता, जीरो नहीं आता,
क्या नहीं आता। चलिए एक और सवाल करके दिखाना है और मुझे तुरंत ही बताना है क्या इसका लिमिट आएगा कि नहीं आएगा, बताइए लिमिट आएगा कि नहीं आएगा। वही लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ एक्स आएगा कि नहीं आएगा, बोलो बोलो आएगा कि नहीं आएगा, खुशू बताएगी। आप लोग इतने क्यों डरते हो, गलत बोल दोगे तो आपकी फांसी चढ़ा दी जाएगी। कि आपने वृद्धि विवेक से बताइए जो आपको लगा, दूसरी बातें क्यों सुन रहे हैं आप, बताइए आदित्य क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वही तो सवाल है। चाहे मॉड एक्स ऊपर हो जाए, अब मॉड एक्स वन माइनस एक्स रखोगे तो क्या आएगा माइनस वन, और प्लस एक्स रखोगे तो क्या आएगा प्लस वन। चाहे ऊपर रखना हो जाए कटेगा तो ही रखना है, तो मॉड एक्स का मान है तो बिल्कुल ज्यों का त्यों। सर जी यहाँ पर एफ एक्स का मान दिया है मॉड एक्स माइनस फाइव, प्लीज़ ध्यान दीजिए, और लिमिट एक्स टेंस टू फाइव एफ एक्स का मान अपन को निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एल एच एल, एल एच एल मतलब बहुत शॉर्ट में लिखने का मन होता है, पाँच माइनस एफ एक्स। तो इसमें एफ एक्स का मान एक ही दिया है, लड़ाई भड़ाई तो कुछ है नहीं इसमें, लिमिट एक्स टेंस टू पाँच माइनस एक्स। अब आप देखिए पाँच से थोड़ा सा कम मतलब 4.99, पाँच से थोड़ा सा कम मतलब 4.99 है तो संख्या का आएगी प्लस की, यहाँ से लोग कर देते हैं गलती, वो लोग x का मान क्या लग देते हैं माइनस एक, और उनसे बड़ा गधा कोई है नहीं दुनिया में भैया। 4.99 है तो प्लस का ना, तो जब x इज ग्रेटर देन जीरो तब मॉड x की जगह रखते हैं x, तो यहाँ पे x रख देंगे। अब हम ये पाँच माइनस क्या कर देंगे, अलग कर देंगे बिकॉज हमने अपना काम कर लिया है, ये आ गया x माइनस पाँच, समझ में आया। x का मान पाँच रख दीजिए, पाँच माइनस पाँच दैट इज इक्वल टू जीरो, समझे कि नहीं। फिर भैया आदित्य आर एच एल लिमिट एक्स टेंस टू फाइव प्लस एफ एक्स लिमिट, सबसे अच्छी बात है इसमें वेरिएबल फंक्शन नहीं है, केवल x का एफ एक्स का एक ही मान है। पाँच से थोड़ा ज़्यादा मतलब 5.001 कुछ भी है तो काय का प्लस का, जब x इज ग्रेटर देन जीरो तब मॉड x का मान रखना है x, x माइनस पाँच। अब आप चाहे तो क्या कर सकते कुछ, पाँच प्लस अलग कर दिया बिकॉज मान रख दिया अपन ने, पाँच माइनस पाँच कितना आ गया जीरो, ये भी जीरो होता, हम कह सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू फाइव एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, लिख लो जीरो। अब हमारे जो सवाल हैं वो कुछ यूं हैं, थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिएगा। महत्तम पूर्णांक x, सभी को इसका मतलब पता है नहीं पता है, इसे मापांक का मतलब होता है वैसे इसका भी कुछ मतलब होता है। चलिए माइनस दो का मापांक कितना आता है दो, ठीक है अच्छा चिन्ह अलग हो जाता है। महत्तम पूर्णांक क्या होता है, होता क्या महत्तम पूर्णांक मतलब जो संख्या दी है उससे छोटी महत्तम पूर्णांक, 2.4 का महत्तम पूर्णांक होता है दो, 2.4 पूर्णांक नहीं है पर उससे छोटा पूर्णांक क्या है दो है, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया इतना दुख हो जाता है बेटा कि बताओ, इतनी मेहनत से पढ़ाए इतना टाइम लेके पढ़ाए और आप लोग सब भूल जाते हैं। तो अपन को किस तरफ जाना है, बाई तरफ, बाई तरफ जो पहली संख्या मिलेगी पूर्णांक वही हमारा क्या रहती है आंसर, 2.4 यहाँ होगा और 2.4 के बाई तरफ दो ही है हमारा क्या पूर्णांक, इसको अपन इस फंड को बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फंड। अब मुझे बताइए माइनस 2.4 का माइनस दो नहीं, माइनस 2.4 ये रहा और इसके इस तरफ क्या आएगा, यही लोग गलती कर देते हैं, सिखाए थे यार हम तो, अब आगे से हम तो कुछ भी नहीं बताएंगे तुम लोगों को नया, तो लोगों को याद कुछ रहता नहीं, हम काय को परेशान हो रहे जब ऐसे लगे हैं। चलिए 3.6 का बताइए महत्तम पूर्णांक तीन, और माइनस 3.6 का माइनस चार सही है, 4.3 का फोर और माइनस 4.3 का पाँच का पाँच का पाँच ही आएगा क्यों पूर्णांक ही है, 4.9999 का अरे पाँच ही तो होगा यार, पाँच पाँच के पास ही तो है वो एकदम से छोटी में, अच्छा 5.0001 का इसमें कितना सा तो अंतर है यार, उससे कुछ नहीं होता है, क्या आएगा इसका पाँच, समझ गए बेटा। आप भी जानते, मैंने आपको इसका ग्राफ बनवाया था, स्टेप फंक्शन पूर्णांकों पे टूट जाता है, याद है कुछ कि नहीं, ज़रा वीडियो देखो ज़रा नोट्स मिलाओ कैसे पढ़ाओ, और जो आपने मित्रों के नोट्स मिलाओ, सवाल ही सवाल लेके फंड के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैंने आपको हर एक एक फंड के बारे में एक एक फलन के बारे में जानकारी दी है, बट एक एक फंड की बहुत डोमेन रेंज निकलवाई है, देख लेना ध्यान से ज़रा,
समझे। हम ऐसे नहीं बेटा बुक से पढ़ाना बहुत आसान होता है, एक प्रश्न वाली जी पढ़ा दो पूरी खत्म। दुख होता है मापांग फैन खुशबू कहाँ टूट जाता है बेटा, पूर्णांकों पे टूट जाता है। मतलब अगर आप यहाँ से जाएंगे तो आपको दो मिलेगा और यहाँ से जाएंगे तो आपको तीन मिलेगा। वहाँ अपने आप को स्टार्ट भी यहीं से किया जाता है महातम पूर्णांक फलन से। तो क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा, आपका क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, एफ एक्स बराबर, और आपको ज्ञात करना है लिमिट एक्स टेंस टू थ्री एफ एक्स। क्या ज्ञात करना है? लिमिट एक्स टेंस टू थ्री एफ एक्स। सबसे पहले हम निकालेंगे श्रद्धा बाम हस्त सीमा, लिमिट एक्स टेंस थ्री माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू थ्री माइनस एफ एक्स, और अब अपन इसको रख देंगे ठीक है। तीन माइनस का मत, तीन माइनस मतलब क्या, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं 2.9999 ऐसे। समझ में आया इसका? बोल दीजिए महत्तम गुणांक कितना आ गया, दो। नहीं आया समझ में? आया कि नहीं आया? कई लोग ये नहीं लिखते हैं बिकॉज कम का मतलब बहुत ही कम, फिर भी मैंने टेस्ट लगा दिया मतलब बहुत ही पास होगा। चलिए नेक्स्ट क्या निकालें खुशबू? इंग्लिश में नहीं हिंदी में बोलो। थ्री प्लस एफ एक्स, सबसे बढ़िया तो यही समझ में आता है श्रद्धा। लिमिट एक्स टेंस टू थ्री प्लस मॉड एक्स, तीन एक्स का मान रख दीजिए, थ्री प्लस, तीन प्लस मतलब 3.0001 ठीक है, कितना आ गया तीन, ये दो आया है ये तीन, चूँकि लिमिट एक्स टेंस टू थ्री प्लस एफ एक्स नॉट इक्वल टू थ्री माइनस एफ एक्स आता है कुछ पूर्णांक तीन पर चार पर पाँच पर छः पर इनका अस्तित्व नहीं होगा क्योंकि वो फलन टूट जाता। वो रिश्ता फेंक दिए, लाओ देखो जरा कुछ सीखो, हम तो बर्बाद हो जाएंगे इसे पढ़ाते पढ़ाते। बताओ नेक्स्ट क्या है? सेम क्वेश्चन रहेगा एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, पर लिमिट है आपकी लिमिट एक्स टेंस टू फाइव बाई टू एफ एक्स। क्या फाइव बाई टू? फाइव बाई टू माना होता है ढाई। क्या होता है? चलो सबसे पहले क्या निकालें शान दुखी मुंह से? एल एच एल, हिंदी में बोलो, एल एच एल नहीं बोलने हैं, वाम हस्त सीमा। तो लिखना टाइम लग रहा, तो फाइव बाई टू प्लस ए सॉरी फाइव बाई टू माइनस एफ एक्स का मान कितना है? हाँ एक्स मान रख दो, थक गए क्या? हाँ मान रखो, फाइव बाई टू माइनस मतलब ढाई, 2.5 माइनस 2.5 से थोड़ा सा कम 2.4999, कोई दिक्कत? बोल दो इसका टू। समझ में आया? इसी प्रकार आर एच एल बोलिए, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स, सॉरी जीरो की तैयार पड़ जाती है, जीरो 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 जीरो, फाइव बाई टू प्लस, इसको बोलते हैं महत्तम पूर्णांक एक्स। क्या पढ़ते हैं? मान रख दो, फाइव बाई टू प्लस का महत्तम पूर्णांक 2.5 प्लस का महत्तम पूर्णांक 2.500001, कितना आ गया इसका? इसका भी दो, और अतः लिमिट एक्स टेंड टू फाइव बाई टू प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू दो। समझे कि नहीं? क्या समझे? कि पूर्णांक पे नहीं निकलेगा लेकिन बीच में ढाई तीन ढाई साढ़े चार साढ़े पाँच पे निकल आएगा, वहाँ नहीं टूटता है ग्राफ। जब हम बोल रहे हैं टूटता नहीं टूटता, तो इमेजिन हो रहा है कुछ टूटता है, जीने बनवाए थे पूरा था, इसको बोल क्या बोलते? स्टेप फंक्शन। अच्छा वो शाम तो एक बार आरी वाला फंक्शन बताने वाले थे, सी सॉ फंक्शन बोलते, आरी होती वो एक फंक्शन, वो जाके बताया नहीं उस समय ना, वरना हमें और दुख होता कि हम इतनी मेहनत से इतने ग्राफ बना बना के दिखाएं, इतना टाइम लिए और बच्चों को कुछ याद नहीं रहता। दोस्तों यहाँ पर ये सवाल जो अपना आखिरी टाइप है, इसमें दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, कोई फलन एफ एक्स है जो निम्नलिखित समीकरण को संतुष्ट करता है। समीकरण ये लिमिट एक्स टेंस टू वन एफ एक्स माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू, इस समीकरण को ये फलन क्या करता है? संतुष्ट करता है। और आपको क्या करना है? लिमिट एक्स टेंस टू वन एफ एक्स का क्या निकालना है मान? समझिए क्या करना है। चलिए तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा ध्यान दें। क्वेश्चन तो लिख लिया था आपने, मैंने बोला था लिख लो, सासा नहीं लिखा था। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले लिमिट दोनों में लगा देंगे, मतलब ऊपर भी लगा देंगे खुशबू और नीचे भी, ये तो अपन कर ही सकते आयत कम से कम, क्यों भाई आदत? ठीक है ये बटे में है, कहाँ आ जाएगा खुशबू? गुणा में, पाई गुणते का लिमिट एक्स टेंस टू वन एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ रोहित लिमिट एक्स टेंस टू वन एफ एक्स माइनस टू। अब इस लिमिट को अंदर लगाएंगे, लिमिट एक्स टेंस टू वन एफ एक्स दो में लगाएंगे,
दोनों में गुणा नहीं होगा। अरे यार इसका गुणा दोनों में नहीं होगा। अरे गुणा नहीं होता है इसका, यहाँ जहाँ यहाँ रखना है एक्स का मान, बिकॉज एक्स है यहाँ पे, यहाँ रखना है जो का तो नहीं आया समझ। लोग कहें जो ये में गुणा नहीं हो, कहाँ गया था मैंने देखा। चलिए यहाँ एक्स का मान वन रख दीजिए खुशू, वन का स्क्वायर माइनस वन कितना हो गया जीरो। पाई एक स्टेप डायरेक्ट कर सकते क्या, नहीं करें। पाई इंटू जीरो बराबर क्या हो जाएगा जीरो। अब कोई पक्षांतर ही कर दो जिंदगी में, माइनस के दो काय के हो गए, क्या बचा यहाँ लिमिट एक्स टेंस टू वन एफ एक्स बराबर दो, सही है ठीक। तो बच्चों यहाँ पे एफ एक्स का मान दिया हुआ है, एक वेरिएबल फंक्शन है, अगर एक्स एक से छोटा है तो एफ एक्स का मान क्या रहेगा ए प्लस बी है, अगर एक्स एक से बड़ा है तो एफ एक्स का मान क्या रहेगा, और अगर एक्स एक के बराबर है तो एफ एक्स का मान मतलब एफ वन बराबर क्या है चार। एक रखोगे तो आंसर क्या आएगा एक रखने पे चार, बाकी एक से कम के लिए ये और एक से ज़्यादा के लिए ये। अच्छा इन्होंने यहाँ पे दिया है कि लिमिट एक्स टेंस टू वन एफ एक्स का मान कितना है एफ वन, मतलब चार है, कितना है चार। अगर लिमिट का मान दिया मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है, दक्षिणा सीमा बावन सीमा क्या होगी बराबर। तो यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे एल एच एल लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस एफ एक्स, मैं जानना चाहूँगा एफ एक्स का मान, दुख होगा अगर आप नहीं बता, कल बोलोगे क्या a प्लस बी एक्स। अब बेटा x बराबर वन माइनस एच रखने पर लिमिट h टेंस टू ज़ीरो a प्लस बी इंटू वन माइनस एच, रख दो बेटा h का मान जीरो रख दो, a प्लस बी इंटू वन माइनस ज़ीरो ए प्लस बी, समझ में आया बेटा। सेकेंड आर एच कल बोलोगे लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस एफ, कृपया अगर एक से ज़्यादा के लिए एफ एक्स का मान बता दें, एक्स बराबर वन प्लस एच रखने पर लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो बी ए वन प्लस एच, एच का मान ज़ीरो रख दीजिए, वन प्लस ज़ीरो कितना आ गया बी माइनस। अब आप ध्यान दो, इन्होंने दिया है दिया लिमिट x टेंस टू वन एफ एक्स बराबर क्या है f1, जो कि क्या होता है चार। अब खुशबू अगर लिमिट है मतलब दक्षिणा सीमा किसके बराबर होगी, वामस्त जी, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू वन माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू वन प्लस एफ एक्स, ये दोनों बराबर तभी तो लिमिट निकलती है, बराबर क्या चार, मतलब ए प्लस बी बराबर बी माइनस ए बराबर चार, समझ में आया। अब इसके अपन दो क्या बना लेंगे समीकरण, ए प्लस बी बराबर चार बी माइनस समीकरण एक, समीकरण एक व दो को जोड़ने पर ए प्लस बी माइनस ए बराबर चार प्लस चार, इसे टू बी बराबर बी बराबर चार, समीकरण एक से बोलो प्रिंसी ए प्लस बी बराबर चार, ए प्लस चार बराबर चार, चार से चार ए बराबर जीरो, अतः ए बराबर जीरो बी बराबर